हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूडटेक ऑनलाइन। तो आज का हमारा टॉपिक गेट लाइफ साइंस के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेट एग्जाम को अब बस ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स ही रह गए हैं। सो फूडटेक ऑनलाइन की चैनल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनियर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल ने। तो आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट रहेगा माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। सो इसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे आज की क्लास में उसके मेनली हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या डिस्कवरीज की गई थी, क्या क्या कॉजिटिव एजेंट्स रहे हैं इन सब टॉपिक के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर यू ऑल। फूडटेक ऑनलाइन का ऐप प्ले स्टोर में आ गया है। आप इसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप कीजिए फूडटेक ऑनलाइन और वहां से आप उसे इजीली एसेस कर सकते हैं। इस ऐप का बेनिफिट यही रहेगा कि इसमें फूड रिलेटेड सारे एग्जाम्स हो गए, जैसे FSSAI हो गया, CFSO हो गया, असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, XCXL, उसमें जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं अपने, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस के ऊपर जैसे सब्जेक्ट हो गए हमारे, तो उसके सब टॉपिक्स जैसे थर्मल ऑपरेशन हो गया, मास मटेरियल बैलेंस हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, तो इस सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करने में और हेल्प करेगा। सो यू कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन बिलो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एक और बात आप सबसे कि प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कमेंट डाउन कीजिएगा आउट ऑफ 25 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड। सो ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पास्टर स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, फर्मेंटेशन इज अ एरोबिक प्रोसेस, लाइव ऑर्गेनिजम्स doesn't discriminate between stereoisomers both A and B. So इसमें elimination process try कीजिए। Option number B, fermentation is a aerobic process. So we know fermentation is an anaerobic process. So this is not correct. Next, so this is not correct. Next, living organisms doesn't ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही नहीं होगा क्योंकि बोथ ए एंड बी दिया हुआ है इसमें और हमारा बी गलत हो चुका है। अब रह गए दो ऑप्शन ए और सी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। सो पास्टर ने डिस्कवर किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, which means that they can differentiate between molecules that have same molecular formula and sequence of bond atoms, but they differ in their 3D orientations. So they do discriminate between stereoisomers. Option पहले ही आ गया. Okay, option A सही है. Question number 2. I found floating there in earthly particles some green streaks, spirally wound, serpent-wise and orderly arranged. The whole circumstance of each of these streak was about the thickness of hair on one's head. The words are off. तो ये लाइन किसने बोली? सो हमें पता है ल्यूवेनहॉक को माइक्रोब्स की डिस्कवरी के लिए हम लोग लार्जली क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने वही एक फर्स्ट साइंटिस्ट रहे हैं जो डिस्क्राइब किए हैं लाइफ प्रोसेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो ये बात ल्यूवेनहॉक ने बोली है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उन्होंने बोला कि उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप एक थ्रेड, मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रीक, एक हेयर लाइक ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया जो कुछ स्ट्रीक्स की थी, कुछ सर्पेंट वाइज थी, कुछ ऑर्डरली अरेंज थी। तो वो सब कितने, उनकी थिकनेस कैसी थी? एक हेयर लाइक थिकनेस थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया।
वी नो हम लोग क्लास 7 से पढ़ रहे हैं कि लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट इन प्लांट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अब क्लोरोफिल ए और क्लोरो दैट इज क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल ए और बी में दो में डिफ्रेंशिएट करना है. तो क्लोरोफिल ए है हमारा प्राइमरी और क्लोरोफिल बी है हमारा एसेसरी पिगमेंट. सो क्लोरोफिल ए जो है हम लोगों का वो हम लोग को मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है मिलता है बैक्टीरिया मतलब प्लांट में मिल गया, एल्गे में मिलता है, साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ्स में. बट क्लोरोफिल बी हमें सिर्फ ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट मिलता है. वेयर एज क्लोरोफिल ए जो है हम लोग वायलेट और ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी ऑरेंज से रेड लाइट स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब करता है. इवन क्लोरोफिल ए क्या है, स्ट्रॉन्ग है एब्जॉर्प्शन के टर्म्स में, वेयर एज क्लोरोफिल बी वीक है कंपेरेटिव टू क्लोरोफिल ए. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस. नेक्स्ट, ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द फेनोमेना इज कॉल्ड. अच्छा, वॉट इज बायोजियो साइकिल? सो बायोजियो साइकिल मेनली होती है, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर, मतलब फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग फैक्टर्स. सो इन दिस इमोबिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इमोबिलाइजेशन लीड्स टू द कन्वर्शन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय इन द फॉर्म बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक के फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ओपन ट्यूब्स ऑफ ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एयर वाज फ्री ऑफ डस्ट. सो ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? ऑप्शन ए स्पैलांजी, ऑप्शन बी टिंडल, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को रेडी, ऑप्शन डी पास्टर. सो ये जॉन टिंडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि दैट डस्ट दे डू नॉट कैरी द बैक्टीरिया विद देमसेल्फ. अगर हम लोग एयर में डस्ट को एलिमिनेट कर दे तो जो हम लोग का ब्रॉथ रहेगा ओपन कंडीशन में वो स्टेराइल कंडीशन में ही हम लोग को मिलेगा. सो ये जॉन टिंडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इन ओपन ट्यूब्स ऑफ ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एयर वाज फ्री ऑफ डस्ट. क्वेश्चन नंबर 6, रिवर्स आइसोलेशन वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर ऑप्शन ए अ पेशेंट विद ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी अ पेशेंट हु हैड माइनर सर्जरी, अ पेशेंट विद ग्लाइकोमा एंड डी अ पेशेंट विद ल्यूकेमिया. सो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? सो ये एक्चुअली यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम. जो कोई एक जर्म इम्यून सिस्टम एक्चुअली हम लोग की बॉडी में कोई आउटसाइड से फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने में हेल्प करता है. जब हमारा उस इम्यून सिस्टम उस चीज को परसीव नहीं कर पाता है सो उस टाइम क्या होता है, रिवर्स आइसोलेशन कम्स इन टू प्ले. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, that is a patient with tuberculosis. क्योंकि minor surgery, this cannot be the point for reverse isolation. Glaucoma means mainly एक optical disease है जो हम लोग visually कुछ visual जो हम लोग देखते हैं वो ठीक से receive नहीं कर पाती और brain तक वो information दे नहीं पाती है. Leukemia, it's a blood cancer, so this also won't be the correct answer. Question number 7. The symptom general feeling of illness and discomfort is called. Option number A, cystis. Option B, malaise. Option C, anaphylactic shock. Option D, arthritis. So cystis mainly kya hota hai? Inflammation of bladder hota hai. So this is not the correct answer. Option B hai jo malaise. So this is the correct answer means एक जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट देता है, इलनेस और डिस्कम्फर्ट फील करवाता है. मीन्स दिस कैन बी ड्यू टू फियर और लैक ऑफ स्लीप और क्या स्ट्रेस के लिए हो जाता है. सो एक जनरल फील है. और नेक्स्ट है एनाफिलाइटिक शॉक.
तो ये ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम्स के लिए होता है, और नेक्स्ट है आर्थराइटिस, जो स्वेलिंग्स ऑफ जॉइंट्स, इन सब इश्यूज के लिए होता है ये सिम्टम। सो ऑप्शन हमारा वहां पे मैलेस वॉज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सोयाबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सिम्बायोटिज्म। सिम्बायोटिज्म मतलब दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के लिए हेल्प कर रहे हैं, प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो सोयाबीन के प्लांट में रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जो रहते हैं, दैट इज ब्रैडीराइजोबियम प्रेजेंट होता है। अब ये ब्रैडीराइजोबियम प्लांट नोड्यूल्स में रहते हैं, सो दैट वो शेल्टर प्लांट से ले सके, एंड नेक्स्ट उसको वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसकी हेल्प करता है। सो आंसर इज ब्रैडीराइजोबियम। नंबर 9, हु प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन एंटर्स द होस्ट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड डी हर्शी एंड लियोनार्ड टैटम इन 1951, ऑप्शन बी अल्फ्रेड डी हर्शी एंड जिंदार लेडर इन 1951, ऑप्शन सी अल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952 होगा एक्चुअली यहाँ, एंड नंबर डी अल्फ्रेड डी हर्शी एंड मैक्लियोड इन 1952। सो ऑप्शन अल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952, सो ये सही होगा क्योंकि दे वर्कड विद अ डीएनए वायरस, दैट इज T2 वायरस। सो उन्होंने क्या किया कि एक इकोलाई को इन्फेक्ट किया। आफ्टर दैट इन देयर एक्सपेरिमेंट दे फाउंड दैट द वायरल प्रोटीन जिसे लेबल किया गया था एज अ रेडियो एक्टिव सल्फर विच रिमेन्स आउटसाइड वाइल द वायरल डीएनए इट गॉट इनसाइड द होस्ट सेल। सो उन्होंने इसे अपनी उन्होंने एक एविडेंस के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। सो ऑप्शन विल बी क्वेश्चन नंबर सी। स्पिरुलिना बिलोंग्स टू ज़ैंथोफाइसी, नंबर बी साइनोफाइसी, नंबर सी रोडोफाइसी, नंबर डी फियोफाइसी। अब ज़ैंथोफाइसी मीन्स इट बिलोंग्स टू येलो टू क्या बोलते हैं ग्रीन, येलो टू ग्रीन पिगमेंट, whereas ciophysi it belongs to cyanophysi it belongs to green blue to green color pigment, where rhodophysi it belongs to red color pigment, and pheophysi it belongs to brown color pigment। so spirulina hame pata hai ek blue green biomass hai, ek algae hai, so the correct answer will be cyanophysi number b। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट एंटीबॉडी टू कॉन्टैक्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज IgG, IgM, IgA, IgD। अब IgG क्या होता है, द करेक्ट आंसर इज IgM। IgM क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये क्या बोलते एक रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन, वेयर एज IgG जो है 75% एंटीबॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन में मेनली हेल्प करता है। इवन नंबर ए दैट क्वेश्चन नंबर सी IgA जो मेनली रेजिस्टेंस मतलब फाइट करता है कोई भी डिफेंस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, एक डिफेंस का काम करता है ये। और ऑप्शन नंबर डी दैट इज IgD, सो ये एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे एज एन एंटीजन एंटीबॉडी, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया इज मेडिटेड बाय द एंजाइम। सो ऑप्शन कोएंजाइम क्यू ल्यूसिफेरेस, ऑप्शन सी लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोक्सिलेज रिडक्टेज। सो लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया,
सो कौन सी एंजाइम से मेडिएट होता है ये? इट इज मेडिएटेड बाय द एंजाइम लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज. क्वेश्चन नंबर 13, पिक आउट द वेक्टर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेनली कौन से दो वेक्टर होते हैं? दैट इज BAC एंड YAC, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा. सॉल्ट एंड सुगर प्रिजर्व फूड बिकॉज दे. ऑप्शन ए मेक देम एसिड, प्रोड्यूस अ हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट. ऑप्शन सी डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स. ऑप्शन डी प्रोड्यूस अ हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट. सो सॉल्ट, सिंस सॉल्ट, सो सॉल्ट एक बेस है तो इट कैन नॉट मेक अ फूड एसिड. ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी प्रोड्यूस अ हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट, इसको बाद में देखते हैं. ऑप्शन सी डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स. अगर हम लोग का प्रिजर्वेशन मेथड में न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीशन होगा तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा. सो इट डू नॉट एक्चुअली डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट. सो ऑप्शन डी सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नेक्स्ट नंबर बी, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मेनली जब हमारे फूड में जो लो टू हाई, हाई टू लो ऑस्मोलैरिटी वर्क करता है, मतलब एनवायरनमेंट में मेरा हाई ऑस्मोलैरिटी है जो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा फूड मॉलिक्यूल के अंदर और उसे स्वेल अप कर देगा. इफ वो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा दैट मीन्स उसके अंदर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हो जाएगा. सो उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ पे डिप्लीशन हो सकता है. वेर एज हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वाटर वो हाई टू लो, लो टू हाई रहता है, मतलब हमारा जो फूड मॉलिक्यूल है वो हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन में रहता है और वो लीच आउट करता है. सो सॉल्ट एक्चुअली वो लीच आउट प्रोसेस में हेल्प करता है. सो उसको श्रिंक करवा देता है और उस अब फिर जितने भी हमारे वाटर प्रेजेंट होते हैं फ्री वाटर वो सब रिमूव हो जाते हैं और बॉन्ड वाटर के साथ वो कॉन्टैक्ट कर लेता है, उसको कोलैप्स उसको पकड़ के रख लेता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो नहीं पाता है. सो इट लीड्स टू अ प्रिजर्वेशन मेथड और इससे उसकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है. सो ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट इज करेक्ट. Number 15. In a fluorescent microscope, the objective lens is made up of option A glass, option B quartz, option C polythene, option D none of these. So, sahi answer hai iska option number C, that is polythene. Number 16. Fixation of atmospheric nitrogen is by means of biological process. Number B lightning. Number C, ultraviolet lights. Number D, all of these. So, this mainly, ये question nitrogen cycle से है. So, nitrogen क्या है? एक inert form में रहता है. जिसे usable form में convert करते हैं, that is ammonia, जो microorganisms help करते हैं. So, biological process से होता है. Lightnings and thunders के cases में भी होता है. वो nitrogen मिलता है soil को. इवन अल्ट्रावायलेट लाइट्स के लिए भी होता है. सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. सो इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल भी प्ले करता है रोल. सो वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, एमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, फिर वो साइकिल फिर कंटिन्यू होती रहेगी. सो इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल. So all of the above, option number D, sahi answer. Question number 17. Which of the following fungi is the most serious threat in a bone marrow transplant unit? So bone marrow transplant unit mein kaun sa fungi ek threat hai, ek serious threat hai? It's Aspergillus. Number B. Question number 8. Direct microscopic count
कैन बी डन विद द एड ऑफ न्यूएम्बर्ग चेंबर, एनरोबिक चेंबर, मिनरल ऑयल, ऑलिव ऑयल. ऑप्शन नंबर ए न्यूएम्बर्ग चेंबर. सो न्यूएम्बर्ग चेंबर एक डिवाइस है जो काउंट करता है कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कितने हमारे एक फ्लूइड में प्रेजेंट है. सो एक थिक ग्लास है जिसमें ग्रिड्स बने हैं, उसको इजेक्ट किया गया है, उसमें शीट ऑफ सैंपल देकर उसमें माइक्रोस्कोपिक काउंट माइक्रोब्स को काउंट कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए न्यूएम्बर्ग चेंबर. क्वेश्चन नंबर 19. The image obtained in a microscope is. So, एक माइक्रोस्कोप में कैसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसी इमेज ऑप्टेन होती है. ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी वर्चुअल, ऑप्शन सी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वर्टेड. सो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑब्जर्व होती है ऑप्टेन होती है. सो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल होती है, रियल नहीं होगा. बी करेक्ट है, सी रियल इन्वर्टेड, एक्चुअली वर्चुअल इन्वर्टेड होना चाहिए था. ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वर्टेड. सो वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ऑप्शन ए कीटोलेज, ऑप्शन सी बी जाइमेज, ऑप्शन बी सी पेरोक्सीडेज, ऑप्शन डी ऑक्सीडेज. सो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेनली ईस्ट जो है सैक्रोमाइसी सेरेविसी, ये ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है. इस ईस्ट को हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं. सो ये ईस्ट मेनली प्रोड्यूस करती है इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सुक्रोज टू इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्शन के लिए. So, option number B is correct. Question number 21. Which type of spores are produced sexually? Option A, gonidia. Option B, sporangiospores. Option C, ascospores. Option D, none of the above. तो जो gonidia है, वो asexual reproduction करती है. ये non-motile spores जो है, वो fungus जो produce करती है. नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होती है स्पोरेंजियम से वो असेक्सुअली होते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी एस्कोस्पोर्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर सिंस दे प्रोड्यूस द स्पोर्स सेक्सुअली. एंड सो क्वेश्चन नंबर डी नन ऑफ दीज नहीं होगा. आंसर नंबर सी एस्कोस्पोर्स. Bacterial transformation was discovered by Edberg and Tatum, Bedell and Tatum, option C Frederick Griffith, option D none of these. So bacterial transformation. Bacterial transformation mainly Griffith, option number C Frederick Griffith ne discover kiya tha. So Edward and Tatum ne बैक्टीरियल कंजुगेशन को डिस्कवर किया था. सो ऑप्शन बी नहीं होगा. बीडल एंड टैटम ने बताया था कि न्यूरोस्पोर्स विच ऑबेज द मेंडल्स रूल, वेयरएज ग्रिफिथ ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. Father of microbiology is option A Louis Pasteur. So Louis Pasteur को हम लोग father of modern microbiology भी बोलते हैं या fermentation के लिए हम लोग जानते हैं. option number B Lister. Lister को हम लोग father of antiseptic surgery के लिए
जानते हैं. नंबर सी, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉफ. एंटनी वैन ल्यूवेनहॉफ, वी नो दैट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉफ. एंड रॉबर्ट कोच को हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के उस पे जानते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉफ. क्वेश्चन नंबर 24. द एंटीसेप्टिक मेथड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नंबर ए लॉवेंस्की, नंबर बी लॉर्ड लिस्टर, नंबर सी एडवर्ड जेनर, नंबर डी बेजरिंग. सो सिंस हमने पीछे ही पढ़ा कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी को हम लोग लॉर्ड लिस्टर को बोलते हैं, एंड यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा. सो यहाँ पे बेजरिंग जो दिए हैं उन्हें फादर ऑफ हम लोग वीरोलॉजी या फादर मीन्स फाउंडर ऑफ वीरोलॉजी या एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए जानते हैं, और एडवर्ड जेनर को हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर किए थे उन्होंने, एंड उसके लिए ही हम लोग उनको जानते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुइस पास्टर, ऑप्शन सी लिस्टर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर. सो हमने पीछे ही पढ़ा इसका आंसर, सो प्लीज आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट डाउन कीजिए, और पीछे कोई भी स्लाइड में आपको कुछ प्रॉब्लम है सो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट डाउन कीजिएगा. हम लोग ट्राई करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सके, और ऐसी ही न्यू वीडियोस आएंगी आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए. सो टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस स्कोर विच यू गॉट आउट ऑफ 25. सो थैंक यू, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट आपको इन नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए जब हमारा न्यू वीडियो आए. आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब में आप हमारा लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे प्ले स्टोर में ऐप है दैट इज फूड टेक ऑनलाइन, वहाँ आप उसे इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. लिंक्डइन में हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप में हमारा एक ग्रुप है फूड टेक ऑनलाइन के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे सारी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू.